क्या आप लोग को उपमा खाना पसंद है? अगर नहीं पसंद है तो मेरे तरीके से एक बार बना करके देखिए, यकीनन पसंद आएगा। तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे 5 मिनट में वेजिटेबल उपमा, जिसके लिए देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर काट के ले लिया, थोड़ा सा बीन्स काट के, एक प्याज, करी पत्ता, हरी मिर्ची और ग्रीन बटाना भी ले लिया है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। अभी कढ़ाई को हमने धीमे आंच पर ही गर्म किया है। चलिए इसमें डाल देते हैं काला राई। राई को चटकने देंगे। राई चटकने के बाद चलिए डाल देते हैं करी पत्ता। करी पत्ता को तेल में चला देंगे। एक बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं, जो काट करके हम पहले रखे थे। चलिए डाल देंगे सारे प्याज को इसमें। इधर से उधर थोड़ा चला देंगे, 1 से 2 मिनट, बस 1 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। उसके बाद हम उसमें डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च। बीन्स को डाल देते हैं। बटाना भी डाल देते हैं साथ में। चला देंगे। टमाटर डाल देते हैं, एक टमाटर को जो बारीक बारीक काट के रखे थे, चलिए डाल देंगे। सबको 1 से 2 मिनट तक इसे चला लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो जाए। अभी हम लेंगे इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी, लगभग 125 ग्राम। 125 ग्राम सूजी का बना रहे हम उपमा। आराम से 4-5 आदमी का नाश्ता हो जाएगा इतने में, एकदम फटाफट से बन जाएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्थ भी है, टेस्ट भी है। सूजी को भी भून देंगे 1 से 2 मिनट। जैसे कि सूजी का भी कच्चापन दूर हो जाए। चलिए डाल देते हैं ज़रूरत के हिसाब से पानी। एकदम से चिपचिपा नहीं करना है, थोड़ा हम खिले खिले ही बनाएंगे, इसलिए कम ही पानी डालेंगे इसमें। इतना पानी डालेंगे कि भाजी भी अच्छे से पक जाए और सूजी भी पक जाए। स्वाद अनुसार नमक, नमक डाल के थोड़ा सा चला देंगे। कितना भी आपको जल्दी हो, ये नाश्ता फटाफट से बन जाता है। बारीक कटे हुए धनिया पत्ता डाल देते हैं। देखिए अभी हमारा उपमा तैयार होने वाला है, एकदम अच्छे से पक गया। चलिए गैस को बंद कर देते हैं। इसे सर्व करने के लिए हम कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आप लोग को हमारी उपमा की रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कटोरी थोड़ा सा गर्म है, पलटने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए बनके हमारा तैयार है वेजिटेबल उपमा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।